एक मन में सोच थी कि इन बच्चों को जो मेघावी हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में बढ़ के कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो उनका समय भी बचे, ताकि वो अपना बचा हुआ समय जो है अपनी शिक्षा को दे सके। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको सभी को 8 to 12 जो हैं, सभी बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को साइकिल दी है। तो आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे। कोई सरकारी सहयोग नहीं होता जी, सारे आपस में आप सब हम सब का मिलकर ही सहयोग होता है, और सहयोग से ये सारे कार्य संभव होते हैं। शहर की प्रमुख समाज सेवी संस्था सहयोग परिवार के सदस्यों ने शिक्षा में अव्वल आने वाली 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों को साइकिल देने की पहल की है। इस मौके पर जिला SGM वीरेंद्र ढोल सहयोग परिवार के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत की ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, और इसी नारे से अब लोगों की सोच बदल रही है। लोग बेटों और बेटियों में फर्क नहीं समझ रहे हैं, और आज इस संस्था ने बेटियों को साइकिल देकर नेक कार्य किया है। कार्यक्रम में विशेष सहयोग के लिए सहयोग परिवार की बहुत बहुत सराहना, और जो हमारे बच्चों ने जो इस कार्य किया है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, उनको भी विशेष बधाइयाँ। इस कार्यक्रम के लिए जो आज की इस कार्यक्रम की विशेष सार्थकता जो मैं देख पाया, वो इन दूसरे बच्चों में जो एक उत्साह मुझे दिखाई दिया कि नेक्स्ट ईयर हमारा भी नंबर आएगा, वो इस कार्यक्रम की विशेष सार्थकता। तो ये भी लगता है अगर NGOs या प्राइवेट लोग डोनर्स लोग ना हो तो सरकार अधूरी है अपने आप में। ये तो बिल्कुल सत्य है, सरकार हर एक जगह नहीं पहुंच सकती, सरकार के अपनी लिमिटेशन होती हैं। सरकार इन लोगों के लिए ही है, जब अगर लोग नहीं होंगे तो लोग आगे बढ़ के नहीं करेंगे, तो जब तक सहभागिता नहीं होती किसी कार्यक्रम में वो सफल नहीं होता। कोई भी काम आप करते हो उसके लिए कोई विजन होता है, कोई सोच होती है, दृष्टिकोण होता है। आपको डिफरेंट इस सोशल लाइफ में ना डिफरेंट स्फीयर्स के लोग मिलते रहेंगे, कोई स्वार्थी मिलेगा, कोई निस्वार्थी मिलेगा, कोई अपने लेवल तक ही सोच रखेगा। लेकिन आज भी मैं बताता हूं आपको, पैसे वालों को किसी ने याद नहीं रखा, याद रखा है तो सोशल रिफॉर्मर्स को याद रखा गया, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो वो सोशल रिफॉर्म की कड़ी में जो सेवा आप यहाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट का तहे दिल से अपने शिक्षा विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। वहीं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आने वाली लड़कियों को पैदल चलकर स्कूल में जाना पड़ता था, अब उन्हें इस परेशानी से निजात मिलेगी। वहीं सहयोग परिवार के सदस्य गौरव लिखा ने बताया कि मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल से इस अभियान के तहत 18 बेटियों को साइकिल दी गई है। सहयोग परिवार पहले भी शिक्षा में उत्तीर्ण आने वाली बेटियों को साइकिल उपलब्ध करवा चुकी है। जिस तरीके परमात्मा करवा रहा है जी, सब मिलके करते हैं, और सबके साथ के तरफ से सबके सहयोग की वजह से ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं। और इस बार ये थोड़ा सा बच्चों में मोटिवेशनल हमारा था एक प्लान की है, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको सभी को 8 to 12 जो हैं, सभी बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को साइकिल दी है। तो आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे, ताकि बच्चा एक बच्चा अब जैसे ये आप सामने देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा बच्चा मोटिवेट होता है कि अगली बारी मैं अभी आऊँगा मुझे भी इस तरीके से बुला के साइकिल या अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इसी तरीके का चलता रहता है सब। आप मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद। बच्चों से पूछे तो साइकिल वगैरह नहीं पैदल आते हैं, इनसे बड़ा इसी वजह से ये किया था। लास्ट ईयर हमने इसके अंदर किया था कि कुछ लोगों ने कोविड के समय में साइकिल जैसे ले ली थी, या बच्चे आपके बड़े हो गए उन्होंने साइकिल चलाना छोड़ दिया, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट डाली थी लास्ट ईयर कि वो अपनी पुरानी साइकिल हमें डोनेट करें और हम उन साइकिल को रिपेयर करवा के इन बच्चों को देंगे। तो लास्ट ईयर हमने कुछ ऐसी साइकिल बच्चों को दी भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना एक लगता है कि आप पुरानी चीज़ दे रहे हैं। तो इस बार हमने यही प्लान किया कि सब आपस में मिलकर एक एक साइकिल जो है वो करें, और ये इस तरीके से बच्चों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करें। गौरव जी, इसमें कोई सरकारी सहयोग भी है? नहीं, हमारा नहीं कोई सरकारी सहयोग नहीं होता जी, सारे आपस में आप सब हम सब का मिलकर ही सहयोग होता है, और सहयोग से ये सारे कार्य संभव होते हैं। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो आज का कार्यक्रम था हमारा, जो ये इसका मेन जो लक्ष्य था वो ये था कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो
ऑब्वियस है पॉवर्टी लाइन के आसपास के ही बच्चे हैं जो कि पैदल आना जाना करते हैं घर से। आपने शायद पूछा भी होगा बच्चों से, तो मैक्सिमम ने यही कहा होगा कि हम पैदल ही आते हैं। तो हमारा ये एक मन में सोच थी कि इन बच्चों को जो मेधावी हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, बढ़ के कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो उनका समय भी बचे, ताकि वो अपना बचा हुआ समय जो है अपनी शिक्षा को दे सकें। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये साइकिल्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली जो लड़कियां हैं उनको दी जाए। तो यही सोच लेकर हमने प्रोग्राम बनाया, और भगवान की दया से हमारे साथ जो डोनर्स हैं, हमारा सहयोग परिवार है, सब ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आज संपन्न किया। सहयोग परिवार समाज के कार्यों में भी आगे रहता है। शहर में पेयजल सफाई के लिए 2 टैंकर बनवा रखे हैं। कहीं से भी सूचना मिलने पर तुरंत पानी की व्यवस्था की जाती है। इसका सारा खर्च भी परिवार खुद वहन करता है। परिवार ने शहर में बढ़ती मांग को देखते हुए 5 टैंकर शुरू करने का भी प्रस्ताव बनाया है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि संस्था ने बड़ा ही नेक और सराहनीय कार्य किया है। वो इस पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।